हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अयान रेसिपी चैनल में। आज हम लेकर आए हैं चना रेसिपी। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और ये मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही स्वादिष्ट। और पहले जो बनाते थे वो भूल जाएंगे, ये नया तरीका बहुत अच्छा लगेगा। ये तरीका किसी ने भी नहीं बताया होगा, तो चलिए हम बनाते हैं इसे। एक कुकर ले लिया, कुकर में पानी डाल लिया है, चना डाल लिया है भिगाया था रात भर, और नमक डाल लिया है इसमें। चने में अच्छे से भीन जाता है नमक। तो चलिए हम कुकर बंद कर देते हैं, गैस पे रख देते हैं गलने के लिए। तो देख सकते हैं हमारा चना ये हो गया है, एकदम गल गया है अच्छे से, कुकर में गलाया है मैंने। और देख सकते हैं इसका मसाला ले लेते हैं। तो हमने एक टमाटर ले लिया है छोटा साइज, और ये कांदा ले लिया है एक बड़ा साइज, और ये लहसुन ले लिया है, हरा मिर्च ले लिया है। मेरे पास हरा मिर्च नहीं था तो लाल हो गया है, वो ले लिया है। मैं तीन ही ली हूँ, ज़्यादा तीखा मुझे नहीं चाहिए, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये गरम मसाला ले लिया है, और इसे हम पूरे मसाले को तेल डाल के भुनेंगे। और ये कढ़ाई ले लिया है, और इसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल, इसमें हम तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, बस हम सारे मसाले को भूनना है हमें तेल में अच्छे से, ज़्यादा जलाना भी नहीं है। तो देख सकते हैं पूरे मसाले को हमने कढ़ाई में डाल दिया है। तो देख सकते हैं मैंने थाली में निकाल लिया है सारे मसाले को, इसको ठंडा होने देंगे, इसके बाद मिक्सर जार में डालेंगे ग्राइंड होने के लिए। हमारे मसाले ठंडे हो गए, हम मिक्सर जार में डाल देंगे। तो देख सकते हैं इसमें डाल लिया है, इसके ग्राइंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमारा मसाला पीस के रेडी हो गया। मसाले में भी बहुत अच्छा खुशबू आ रही है, कितना ही तारीफ करूँ। तो एक बार जरूर ट्राई करिए ऐसी रेसिपी। और चला लिए हैं तपीला ले लिया, इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तेल गरम होने दो, जब हमारा तेल गरम हो जाए अच्छे से खड़े मसाले ऐड कर देंगे इसमें। फिर हमारे मसाले खड़े हो चुके हैं, इसमें हम मसाला डाल देंगे। हमारे मसाले में कितना अच्छा अभी से ही खुशबू आ रहा है, क्या ही बताऊं मैं, कितना ही तारीफ करूं कम है। तो इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर दो चम्मच, ये मिर्ची तीखी नहीं होती है कलर के लिए है, और हल्का मिक्स है, तीखापन भी है हल्का, वन टीस्पून। मसाले को अच्छे से भुनेंगे। नमक डाल देंगे, हमने नमक भी डाल दिया है साथ में, और हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। इसे सिलो आंच पे पकने देते हैं, इसे ढककर पकाएंगे सिलो आंच पे। तो 5 मिनट हो चुका है, हमारे मसाले को चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है, कितना तेल निकल आया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और ढक के इसे 5 मिनट और करेंगे। मसाले में भी कितना प्यारा, कितना अच्छा कलर आया है, देख सकते हैं। ये खाने में भी बहुत टेस्ट आता है,
ऐसे भी खा सकते हैं, पूरी सब्जी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। अभी अपना छोला डाल देंगे इसमें। और इसे अच्छे से भुनेंगे। इसमें भी ज्यादा भी नहीं भुनना है, इसमें बस मिक्स कर देना है, पानी डाल देना है इसमें। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा पानी इसमें कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने पानी भी डाल दिया है, ज्यादा पानी नहीं डालना है इसमें। और स्लो आंच पे फिर पकाना है 5 से 10 मिनट अच्छे से पकाना है इसे। तो चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो चुका है पक के। देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है, कितना अच्छा कलर लग रहा है और कितना अच्छे बन हमारे छोले बन के रेडी हैं, चने काले चने का। तो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करें। और ये जो ये रेसिपी जिसको भी खिलाएंगे वो तारीफ करके ही जाएंगे, इतना अच्छा किसी ने भी नहीं बताया होगा अभी तक, तो आप जरूर फॉलो करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो चुका है। देख सकते हैं कितना प्यारा कितना अच्छा कलर आया है, कितना प्यारा बन के रेडी हुआ है हमारा काला चना रेसिपी। और आप भी जरूर ट्राई कीजिए, आप जिसको भी खिलाएंगे वो तारीफ करके ही जाएंगे। देख सकते हैं कितना प्यारा कितना अच्छा ग्रेवी लग रहा है। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं पहली बार तो हमें लाइक सब्सक्राइब एंड जरूर करें, प्लीज सपोर्ट जरूर करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए, अच्छा अच्छा रेसिपी लाते हैं, इजी रेसिपी। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो।